हेलो एवरीवन, दिस इज मानस। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोगैन। तो आज आम कौन प्रीवियस क्लास रे कौन डिस्कशन करें ना, पढ़ते अल्फा कम्प्लीमेंटेशन पढ़ते ऑलरेडी। अल्फा कम्प्लीमेंटेशन मैंने भलसे पूरा डिटेल्स बुझी तो कमी आम रोचे जो लैग जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइट रही जो लैग जेड कौन बीटा गैलेक्टोसाइट प्रोड्यूस कला। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइट प्रोड्यूस कला तार सब चार्टा सब यूनिट रहा, गोटे दुईटा है कौन अल्फा सब यूनिट आ दुईटा है ओमेगा सब यूनिट। तो जो दुईटा अल्फा सब यूनिटा कौन है ना, आम तादर रिमूव करदे जो आम बैक्टेरियल स्ट्रेन ने तादर कौन कले ना, किसी आम नुआ जेनेटिक मॉडिफिकेशन कले जहाद्वारा कि जो बीटा गैलेक्टोसाइटेज जो आम रहा लैगजेट रहा सी केवल दुईटा ओमेगा सब यूनिट प्रोड्यूस कर आ दुईटा अल्फा सब यूनिट प्रोड्यूस करना नहीं। तो तादर कौन है ना, जो ब्लू कलर आसाला तो ब्लू कलर आसो ना व्हाइट कलर आसो, तो आम जापर रिकॉम्बिनेंट आम स्क्रीनिंग कर देखिपर कि यहाँ आम रिकॉम्बिनेंट डीएनए अवेलेबल ये जगह अच्छे बुझीगला। तो आज आम पढ़ा कौन कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी सही स्क्रीनिंग डीएनए डीएनए लाइब्रेरी स्क्रीनिंग जीनोम लाइब्रेरी स्क्रीनिंग है। तो कमी आम कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड कमी आम गोटे डीएनए जीनोम को स्क्रीन करीडीएन को कमी स्क्रीन करा। तो कहला कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन इज ए मेथड ऑफ सिलेक्टिंग बैक्टीरिया कॉलोनी, कौन कहला ना बैक्टीरिया कॉलोनी सिलेक्ट कर उचित डिजायर्ड जीन। बैक्टीरिया कॉलोनी आम पढ़ते कि आम पेट्रेप्लेट्स रहा तर कॉलोनी कॉलोनी ग्रो कर व्हाइट कलर है सरी व्हाइट कलर ब्लू कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर ग्रो कर एक्स गाल दे जदि एक्स गाल न दे सी कॉलोनी ग्रो कर कितना आम देखा हेन। तो सी जो आम कॉलोनी ग्रो कला से कॉलोनी रु कौन करवा ना, आम स्क्रीन करवा सिलेक्ट करवा कौन सिलेक्ट कर जोटा जोटा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आम जादर अच्छे से कमी सिलेक्ट करवा मैंने मेथड आम जाना है कहला। मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय एम ग्रुनस्टेन एंड डेविड एस हंगनेस 1975 डिस्कवर्ड करते। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन कैन डिफाइन एज द मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए, कौन कहला ना स्पेसिफिक डीएनए आइसोलेशन करने सिक्वेंस और ऑर्गन्स और जीन्स फ्रॉम द बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग हाइब्रिड डीएनए, कहला जो हाइब्रिड डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए अच्छे ये मेथड तक आइसोलेट करवा बाय मीनस ऑफ ए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रो द्वारा आम कौन करपरेट करवा है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर देन सेवरल प्रोसेस हम ताद्वारा कि आम जापर मैंने कलेक्ट करा है। तो देख नेक्स्ट देख प्रिंसिपल कौन है ना, सिंपल प्रिंसिपल कौन है यार सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रॉब डीएनए विथ डीएनएज बैक्टीरिया कॉलोनीज ऑन ए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेन है यार मेन हूँ कौन नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर आम यूज करवा नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर यूज करके आम कौन करवा ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बाहर करवा। दिस इज यूज टू पिक आउट टू रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल बैक्टीरिया है हेज आर डीएनए दैट हेज स्पेसिफिक जीन है जो आर डीएनए अच्छे देख दिस इज टू पिक आउट बाहर करवा कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाहर करवा जो जहाँ कार अच्छे ना तर आर डीएन अच्छे राइबोसोमल डीएन अच्छे दैट इज स्पेसिफिक जीन अच्छे स्पेसिफिक जीन आज स्पेसिफिक जीनोम अच्छे बुझीगला। तापर देख प्रोसीड्योर कौन कल देख आराम से प्रोसीड्योर देख फास्ट आम कौन करें ना जो आम रिकॉम्बिनेंट होगा आम पेट्री प्लेट्स आम रखीदे तो पेट्री प्लेट्स अगर अगर मीडियम जो रखीदे अगर प्लेट्रे सी कौन करेंगे इनक्यूबेट कला इनक्यूबेट करने द्वारा से आस्ते आस्ते बैक्टीरिया कॉलोनी जो शो कर तार मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन हो बहुत गुड़ा चारे कॉलोनी शो करा डिफरेंट 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 जगह कॉलोनी शो कर तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी शो कला कॉलोनी एपियर है फास्ट अफ कला केते पर्यंत ना जिते पर्यटन कॉलोनी एपियर न होपर्यंत आम इनक्यूबेट करवा जब आम कॉलोनी विजिबल हम कॉलोनी आम देखिपर से इनक्यूबेट बंद करदे नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसिंग करा नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसिंग कौन कॉलोनी फ्रॉम द मास्टर प्लेट है जोटा कि आम फास्ट ग्रो करूला कहला मास्टर प्लेट है मास्टर प्लेट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू रेप्लिका प्लेट है आम कौन कल ना आउटे प्लेट को ट्रांसफर्म कर रेप्लिका प्लेटिंग मेथड कहते रेप्लिका प्लेटिंग मेथड आम कौन कले ना ट्रांसफर्म करदे आ गोटे प्लेट को कौन पोजिशन मान जो जो कॉलोनी सेम पोजिशन ना से पोजिशन को मार्क कले मार्क कल कि आउटे तरह रेप्लिका प्लेट को ट्रांसफर्म करदे जो ट्रांसफर्म करदे ये जो रेप्लिका प्लेट को ट्रांसफर्म कले यार ये पोजिशन जानी ना कि पोजिशन ये मोर
जितकी आम कलोनी अच्छी गोटे कलोनी अच्छे गोटे कलोनी अच्छे गोटे कलोनी अच्छे एम जो जगह जितने कलोनी अच्छे से मार्क करदे मार्क करदे रेप्लिका प्लेटिंग तादु ट्रांसफर करदे आसगला बर्तमान कौन रेप्लिका प्लेट को आसगला जो रेप्लिकेसन रेप्लिका प्लेट को आसगला जो रेप्लिका प्लेट को आसगला ये आम नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन काम होगा देख रेप्लिका प्लेट को आसगला आसला नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर है कौन कहला नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर नाइट्रो सेलुलोज पेपर जहाँ कौन कहना से रेप्लिका प्लेट रहा पकईदे रेप्लिका प्लेट आम बैक्टेरियल कॉलोनी अच्छी जो बैक्टेरियल कॉलोनी अच्छी आम कौन कले ना रेप्लिका जो नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर को रखीदे जो रखा द्वारा कौन है ना जो आम डिफरेन्ट डिफरेन्ट कॉलोनी रहा जो कॉलोनी रहा सी कौन कह नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन को उठी आसो है जोटा कि नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन को उठी आस हेला आफ्टर द नाइट्रो सेलुलोज पेपर टेकन फ्रम द पेट्री डिश प्लेस्ड ऑन अल्कली सॉल्यूशन एनएओएच जो आम एटा नहीं सारा पर कौन करना अल्कली सॉल्यूशन एड कर आम उठीगला जो आम कलोन रहा तार कलोन जो इनफिल्टिंग इनफिल्टिंग रहा तार जो कि छाप रहा सी तेज उठी आसला मैंने सहित किसी आम बैक्टेरियल कलोनी उठी आसला ताको भी मार्क करें कौ पॉइंट कौन अच्छे सब मार्किंग करदे क्या सेम 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 पॉइंट जमी आम कौन कर गोटे कार्बन कपी आम कपी कर चारपट से उठी तो जहाँ भी बैक्टेरियल कलोनी जो जो पोजिशन थी आम जो नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर में नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर में जहाँ भी आम इम्प्रिंटिंग करदे सेम 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 जगार सब रहा है आम मास्टर प्लेट जहाँ थी ता पोजिशन मार्किंग करते जोटा है ता पोजिशन आम नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन सेम आसला तापर देख आम कौन हम एति है तापर आम अल्कली सॉल्यूशन एड कर जो मेम्ब्रेन आनी थी अल्कली सॉल्यूशन एड कर अल्कली माने एनएओएच दबा है गोटे बेस सॉल्यूशन एड कर दबा जो एनएओएच दबा द्वारा कौन हम ना लाइज द बैक्टेरियल सेल एंड एंड डी नेचर द डीएनए कौन कह ना डी डी नेचर करदे क्या ना डीएनए को डी नेचर करदे देख आम जो आम नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन टा एनएओएच सॉल्यूशन पकेला परे कौन है ना बैक्टेरियल सेल को लाइज करदे जो बैक्टेरियल सेल है कौन है ना तार हूँ बैक्टेरियल सेल को लाइज करदे भितर आम डीएनएज रहा एयर प्लाज्मिड रहा तो बैक्टेरियल सेल वाल रहा तार जी जहाँ भी सब रहा सब कुछ लाइज करदे कि जो आम डीएनए भितर रहा कि प्लाज्मिड सब रखा है तापर कौन कला ना डी नेचर करदे जी आम डीएनए था डी नेचर करदे डी नेचर मैंने डबल स्टैंड था सिंगल स्टैंड करदे सब सब सिंगल स्टैंड करदे अलरेडी फर्स्ट टाइम सिंगल स्टैंड है बर्तमान यहाँ अच्छी कौटी आम नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन ऊपर ही सब अच्छी है सब उपर अच्छे तापर कौन डी नेचर है तार फिल्टर पेपर प्लेस्ड ऑन ए प्रोटीनेज के सॉल्यूशन प्रोटीनेज के सॉल्यूशन प्रोटीनेज रो काम कौन है ना से प्रोटीन को डिग्रेड करियो जमी डीएनएज रो काम कौन है ना डीएनए को डिग्रेड करियो आरएनएज रो काम है आरएनए को डिग्रेड करियो सेमती प्रोटीनेज रो काम है कौन जो प्रोटीन जो थी से नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन जहाँ भी प्रोटीन थी से प्रोटीन टाक डिग्रेड कर बाहर करदे प्रोटीन टा बाहर करदे आम डीएनए रहा तो जो प्रोटीन टा ऑलरेडी प्रोटीन टा भितर बाहरी गला का द्वारा ना प्रोटीनेज के बा प्रोटीनेज एंजाइम द्वारा आमर बाहरी गला कौन प्रोटीन बाहरी गला कहला इट रिमूव द प्रोटीन फ्रॉम द फिल्टर पेपर माने नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर पेपर बुझेगा एंड एलोन डीएनए बाउंड द फिल्टर ओनली केवल फिल्टर पेपर कौन है डीएनए बाउंड ही रहा तापर देख एक फिक्स करवा है फिक्स करवा माने आम गोटे जदि गोटे आम गोटे गोटे नर्म हो नर्म काद आमर माटी अच्छी माटी के आम कंचा हो काद कर पानी गोल कौन हो कंचा अच्छे से कंचाटा आम सुखेदे किस समय पर टाण हो फिक्स सेपटा फिक्स होपर्त कंचा अच्छी आम जेकोसी सेप दे पार कि फिक्स है सेप दे पारा ना तो सी कौन कलाना आम फिक्स करदेव है इट वाज फिक्सड विथ फिल्टर बै 80 डिग्री सेलसीयस कौन कला ना टेम्परेचर देला 80 डिग्री सेलसीयस है कह बेकिंग कहले जो फिक्स करवा कहले बेकिंग कहले कनसिक्वेन्टली द फिल्टर हेज द डीएनए प्रिंट कहला जो फिल्टर पेपर रहा तर डीएनए प्रिंट ही रहा आम जो फिल्टर पेपर रहा से जो जगह 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 जगार कलोन जो डीएनए प्रिंट हो गला जो प्रिंट आम कलोनी थी से कलोनी जगह डीएनए रही गला बुझीगला बैक्टेरियल बैक्टेरियल कलोनी सब डीएनए रहा कि आम मेन मास्टर प्लेट है रेप्लिका प्लेट है से कौन थी आमर केवल कलोनी थी कि सेम प्लेस रे, सेम जगह हम कौन रहा डीएन रहा बुझीगला प्रिंट बैक्टेरिया कलोनी देन द फिल्टर पेपर प्लेस्ड इन हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन कहला जो आम हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन आम एड करवा हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन कौन हम ना डीएनए प्रोब रहा डीएनए प्रोब कि आरएनए प्रोब रहा जहाँ जोटा कि गोटे रेडियो एक्टिव आइसोटोप
बा पी 32 आइसोटोप लेबल हो मैंने जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप कौन गोटे एज आम डीएनए कौन डीनेचर हो सिंगल स्टैंड अच्छी तो यहाँ भी एज ए प्राइमर भाया काम करें मैंने सिंगल स्टैंड अच्छे रेडियो रेडियो लेवल हो तो रेडियो लेवल हो मैंने एक बार मिक्स करदे सी कौन जो आमर अलरेडी डीएनए सिक्वेन्स आम जहाँ अच्छे आमर डीएनए सिक्वेन्स जो आम जहाँ अच्छे कहीं प्रिवियसली जानते हैं डीएनए सिक्वेन्स जहाँ अच्छी आम से सिक्वेन्स अल्टरनेटिव कम्प्लीमेंटरी आम कौन कर प्रॉप डिजाइन करदे तो दीट ए टी सी जी अच्छी है तार मैंने अपोजिट आम कौन करना प्रॉप डिजाइन करदे तो प्रॉप डिजाइन कर रेडियो लेवल कर देखिए या दिन आम सल्यूशन एड करदे तो एड करदे द्वारा ये जो थोड़ी से बैंड कर तो बैंड करापर आम रेडियो लेवल होगा तो मैंने अटो रेडियोग्राफी आम शो कर देख किंतु आमर जो सेम पोजीशन थिला से पेट्रो प्लेट आम जो रेप्लिका प्लेटर जहाँ पोजीशन थिला आमर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में सेम पोजीशन अच्छे कहीं आम डाय करके सुखे फ्रॉम ए डीएनए डीएनए हाइब्रिड है कौन गला डीएनए डीएनए हाइब्रिड हो बुझेगा तो ये जो प्रोब रहा है हाइब्रिड हो गला देन फिल्टर वाश्ड विथ द सेलेन साइट्रेट सॉल्यूशन टू रिमूव द अनबाउंडेड प्रोब कहला जो प्रोब गुड़ा बाउंड हेलानी कारण से मैचिंग कलानी बाउंड हेलानी तो सेटा को आम रही तो सेटा रही मैंने प्रोब्लेम हम कौन प्रोब्लेम हम तक अटो रेडियोग्राफी हम शो कर एटा भी आम रेडियो लेवल जेहतु रेडियो लेवल हो तो यहाँ कौन कर जल्दर ग्लो कर बा आमर डार्क स्पॉट दबो तो से अनुसार आम कौन कले सालाइन साइट्रेट सॉल्यूशन वाश करदे जो प्रोब गुड़ा जो रेडियो लेवल प्रोब गुड़ा ता सहित बाउंड हो ना क्या सहित ना जो आम डीनेचर डीएनए था सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था ताद तो बाउंड नाटा गोटे रिमूव हो वाश आउट हो बुझेगा तापर एक्सरे फिल्म प्लेस करदे एक्सरे फिल्म प्लेस करदे आम कौन करना ओवर द फिल्टर एबाउट एन फोर आवर्स कहला फोर आवर्स पर्यटन आम कौन फिल्टर गोटे एक्सरे फिल्म हो प्लेस करदे देन ऑटो रेडियोग्राम है ऑटो रेडियोग्राफी करवा देख देन द प्रोब मेक्स डार्क स्पॉट ऑन एक्सरे फिल्म कहो एक्सरे फिल्म रहा तादर हो कौन करना जो जो जगह आम हो रिंग कम्बिनेट प्रोब जाए जो जो जगह बाइंड कर जगह आम कौन करना आम डार्क स्पॉट ग्लो करना ऑटो रेडियोग्राफी जो करवा ऑटो रेडियोग्राम जो करवा मानने आमर देख बर्तमान जोटी आमर रिकम्बिनेंट डीएनए अच्छे आम रिकम्बिनेंट डीएनए सिक्वेन्स आम जहाँ अच्छे तो रिकम्बिनेंट डीएनए सिक्वेन्स जहाँ अच्छे आम प्रॉप डिजाइन गले रिकम्बिनेंट डीएनए सिक्वेन्स अनुसार तो से प्रॉपटा केवल रिकम्बिनेंट डीएनए जाए बाइंड कर तो अन्य भी डीएनए जो अच्छे ताकि बाइंड करनी तो जेहतु अन्य जगह बाइंड करा ग्लो करना केवल ग्लो कौट कला ना जो रिकम्बिनेंट होता से आम एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी आम ग्लो कला तो रिकम्बिनेंट सेल कंटेन द पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन कहला जो पर्टिकुलर डिजाइन दिन से कौन आम ग्लो कर देख तो रिकम्बिनेंट कॉलोनीज आर पिक डीएन कल्चर फॉर द फ्यूचर तापर कौन कहना फ्यूचर यूज कल्चर कले ग्रो कले देख मैंने पिक अनुसार देख तापर कौन कहना कॉलोनी ग्लो कले रेप्लिका रेप्लिका प्लेट ट्रांसफर कले नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एड कले नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रिमूव कले कौन कले नाटा देख तापर हूँ आम एन ए सल्यूसन देखिए लाइसीस कले बैक्टेरियल सेल को डीनेचर कले डीएनए रेडियो लेवल प्रोब एड कले ऑटो रेडियोग्राफी तक आम शो कर डार्क जो डार्क स्पॉट कला ये दुटा जगह अच्छे डार्क स्पॉट कर तो देख आम जो मास्टर प्लेट नहीं था है सेम जगह ये सेम जगह चेक करदे तो यहाँ यहाँ तो यहाँ यहाँ तो मैंने ये दुटा ही आम ये कलोनी को आम नहीं जा कलोनी आम कौन पाइबा ना आम रिकम्बिनेंट डीएनए पाई है यहाँ ही दुटा ही आम कलर ना जो चार्टा दे था तो ये आम ये सेम सेम जगार चार्टा कलर नहीं था तो सहीटा हूँ आम भितर ही केवल रिकम्बिनेंट डीएनए अच्छे बुझीगला आराम से कि आम कमी डीएनए रिकम्बिनेंट हूँ आम स्क्रीनिंग केमी कराई जो रिकम्बिनेंट डीएनए स्क्रीन करके देखिपर बुझीगला तो यहाँ था कलोनी हाइब्रिडाइजेशन तो नेक्स्ट आम कौन अच्छी एप्लीकेशन देखिदि तो एप्लीकेशन कौन है ऑलरेडी आम रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कॉलोनीज यूज फॉर द साइटोजेनिक स्टडीज डायग्नोसिस फॉर इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शियस डिजीज अच्छी ताको आम डायग्नोसिस करने यूज करते यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती ताद्वारा आम हेल्प कराए तर कहला स्क्रीनिंग मेथड फॉर बैक्टीरिया कॉलोनी ऑलरेडी आने पहले बैक्टीरिया कॉलोनी आम स्क्रीन कर देखिपर बुझेगा तो जदि भी किसी प्रोब्लेम रोचे जनाओ आम ट्राए करवा कि सल्व करने आ जो मैंने भी ऑलरेडी तो पेड कोर्स मैंने मैक्सिमम कोर्स सर तो जो मैंने भी बर्तमान पेड कोर्स जॉइन होने चाहूँ से मैंने जॉइन हो किसी लाभ ना तो जो मैंने केवल नोट पर मैंने जॉइन होने चाहूँ मैंने जॉइन हो पार प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियो किसी अच्छी से पाइपर
किंतु मोर सजेसन रहा कि ऑलरेडी आम सरीगला कोर्स मैक्सिमम सरीगला तो अब जॉइन होवार किसी फायदा ना तो जो मैंने चाहूँ जॉइन करा प्रॉब्लम किसी ना तो देख सेकेंड कौन पड़े ना सी जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रॉब्लम ताद्वारा आम हूँ केमती आम सिलेक्शन करवा केमती स्क्रीनिंग कर स्क्रीनिंग सी डी एन लाइब्रेरी विथ द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रॉब तो यहाँ आम नेक्स्ट क्लास में डिस्कसन करवा तो जो मैंने लाइक कर सेयार कर लाइक कर सेयार कर सांग वीडियो पहुँचे दि ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्लास रे देखा हो थैंक यू।